तो चलिए हम कविता का अध्ययन करते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मित्रों, इन दो पंक्तियों में एक कठिन शब्द के अर्थ इस तरह है, निर्माण अर्थात रचना, पावन अर्थात पवित्र, युग अर्थात इतिहास का बड़ा काल मान, स्वार्थ साधना अर्थात अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया, वसुधा अर्थात धरती, कल्याण अर्थात भलाई। कवि कहते हैं कि आज का युग परिवर्तन करने का और विकास करने का युग है। यह युग बहुत ही पवित्र युग है, लेकिन इस युग परिवर्तन के साथ साथ हमें चरित्र निर्माण की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपने विकास के लिए प्रकृति को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं या उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। इन सारी बातों की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है। कवि चाहते हैं कि हम अपने भौतिक विकास के साथ साथ व्यक्तित्व और वसुधा यानी पृथ्वी के कल्याण को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मेघधाराओं में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ पर आए कठिन शब्द के अर्थ, अगम अपार, अगाध अथाह, सिंधु समंदर, संघर्ष संकटों का मुकाबला करना, मेघधार लहरों के बीचों बीच, साहस हिम्मत, जटिल पेचीदा सुलझाना उलझनों को दूर करना, नूतन नया अनुसंधान खोज। कवि जीवन को विशाल सिंधु की उपमा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन में भी संघर्षों का अंत नहीं है, इसलिए मानव को जीवन में सहजता से सुख का रास्ता मिलना कठिन हो जाता है। उसे अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति साहसी है वही जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए नए मार्ग की खोज कर सकता है, क्योंकि उसे अपना संघर्ष बीच मेंधार में छोड़ना मंजूर नहीं होता है। तो हमें भी नीडर हिम्मती साहसी बनाना चाहिए। जीवन में समस्याएं आती रहती है, इसलिए हमें समस्याओं को सुलझाने के लिए खोज अर्थात अनुसंधान करना आवश्यक है। हमें प्रकृति की भलाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कवि बार बार याद दिलाते हुए कहते हैं कि यह युग निर्माणों का युग है, विकास का है। इस पवित्र युग में अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं चाहिए। अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए।